और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग के जितने टॉपिक अपलोड हो उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम जिस टॉपिक की पढ़ाई करेंगे रीजनिंग का, वो हमारा है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या है, हम क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। हमें वर्ड्स दिया हुआ है कर्ड, ग्रास, बटर, मिल्क और काउ। हमें पता है कि सारे मिल्क से कर्ड बनते हैं, बटर बनते हैं, काउ हमारी मिल्क देती है, ठीक है। इसको अरेंज करना है, दो ही चीज़ होगा, या तो स्टार्टिंग से इंड की तरफ जाएंगे या इंड से स्टार्टिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि सबसे पहले हमें मिल्क के लिए किसकी आवश्यकता होगी, काउ की। तो हमारे पास एक गाय है, ठीक है, यानी सबसे फर्स्ट पोजीशन किसकी होगी, गाय की। जब हमारे पास गाय होगा तो गाय का पोजीशन क्या हो गया, फर्स्ट, यानी काउ है। अब जब काउ होगी तो काउ हमारा, जो काउ को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ग्रास चाहिए। यानी काउ हमारी जो ग्रास खाएगी, जो ईट करेगी, तो ग्रास की पोजीशन क्या हो गई, सेकेंड। यानी काउ, जब आपने काउ ने ग्रास को खाया, खाने के बाद तब काउ से क्या होगा, उसको मिल्क निकलेगा, ठीक है। तो मिल्क का पोजीशन क्या हो जाएगा, थर्ड। अब मिल्क से हमें पता है कि मिल्क से हमें क्या करना है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, यह केमिकली चेंज होता है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया का यूज होता है, ये बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ठीक है, हमारे लिए एडवांटेज होते हैं। तो मिल्क से हम किसको कन्वर्ट कर देंगे, मिल्क से कन्वर्ट करेंगे कर्ड को, यानी कर्ड हमारा कौन सा पोजीशन हो गया, फोर्थ। अब जब हमारा दही जम जाएगा, तो दही जमने के बाद तब इससे हमारा क्या निकलेगा, बटर, ठीक है। बिना दही जमे उसके ऊपर से जो क्रीम होता है, ठीक है, जिसको हम छाली कहते हैं, जिसको हम मलाई कहते हैं, जब तक उसको हम उसको हटाएंगे नहीं, तब तक हमारा बटर नहीं बनेगा। तो फाइनली हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, बटर, यानी कौन सा पोजीशन हो गया, फिफ्थ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हमें पहले अगर कर्ड दिया हुआ है, ग्रास दिया हुआ है, बटर दिया हुआ है, मिल्क दिया हुआ है, काऊ दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे घर पे एक काऊ है। काऊ होने के बाद काऊ को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो काऊ के लिए क्या हो गया, ग्रास। भोजन करने के बाद काऊ हमारी हष्ट पुष्ट हो जाएगी, तो गाय हमारी क्या देगी, मिल्क। मिल्क से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर्ड में, और कर्ड होने के बाद तब किस में कन्वर्ट होगा, बटर में। यानी सबसे फर्स्ट पोजीशन क्या हो गया, ई का। तो ई आप देखिए, बी में भी ई नहीं है और लास्ट में भी ई नहीं है, बी में भी फर्स्ट में ई नहीं है और लास्ट में भी ई नहीं है, लेकिन ए और डी में फर्स्ट में दोनों में क्या है, ई है। सेकंड पोजीशन पे बी है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे बी है, यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे बी है। थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, डी है। थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, डी। अब यहाँ देखिए, थर्ड पोजीशन पे क्या है, डी, पर इसमें हमारा क्या है, सी। तो हमारा ऑप्शन ए भी क्या हो गया, कैंसिल, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, ए, यानी फोर्थ पोजीशन पे देखिए ए है। और फाइनली लास्ट यानी फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, सी। तो लास्ट में हमारा क्या है, सी। अब अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर दिया हुआ है, पब्लिशर दिया हुआ है, राइटर दिया हुआ है, एडिटर दिया हुआ है और सेलर दिया हुआ है। हमें सबसे पहले समझना है कि बुक्स को लिखने के लिए सबसे पहले एक राइटर की आवश्यकता होती है, जो किसी भी चीज़ को लिखते हैं। तो राइटर हमने सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे किसको लिख दिया, राइटर को, यानी राइटर महोदय हमारे फर्स्ट पोजीशन पे हो गए। राइटर ने जब लिख दिया तो उसका एडिटर होगा, एडिट किया जाएगा, यानी एक संपादक होंगे। एडिटर यानी उसको हम कहाँ पे ऐड करें, किस पोजीशन पे उसको रखें। तो एडिटर का हमारा पोजीशन कौन सा हो गया, सेकेंड। एडिट करने के बाद हमने फिक्स कर दिया, नहीं इस पेज में इस पोजीशन पे हम इसको रखेंगे, पहले इसको रखेंगे, उसके बाद में उसका नंबर आएगा। इतना होने के बाद तब हम उसको क्या करेंगे, प्रिंटर, यानी उसको प्रिंट करने की आवश्यकता होगी। जब तक प्रिंट नहीं होगा,
तब तक हम उसको कभी भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटर, यानी प्रिंटर की पोजीशन क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड। अब प्रिंटर होने के बाद हमें पता है कि जब प्रिंट हो गया तो पब्लिश करना होगा। पब्लिश करने का मतलब होता है पूरी उसको हमने प्रकाशन कर दिया, यानी हमने उसको छाप दिया, यानी फाइनल स्टेप में बुक हमारा कंप्लीट बनकर रेडी हो गया। अब बुक रेडी है, अब बुक रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, मार्केट में उसको भेजेंगे। जब मार्केट में भेजेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सेल होगा, यानी बेचा जाएगा। तो सबसे लास्ट पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड हो गया। फोर्थ पोजीशन पे हमारा पब्लिशर हो जाएगा, और सबसे एंडिंग में क्या हो जाएगा, सेल यानी बेचना, यानी फिफ्थ पोजीशन पे सेल। तो आप देखिए सबसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सी। यहाँ सी देखिए, बस ना हमारा सी में सी है फर्स्ट पोजीशन पे तो गलत हो गया, डी में भी सी नहीं है भी गलत हो गया। अब ए और बी दो में फर्स्ट में सी है, सेकंड पोजीशन किसका है हमारा, डी का है, इसमें भी डी है इसमें भी डी है। थर्ड पोजीशन हमारा किसका है, ए का, इसमें भी ए है और यहाँ पे बी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी, और ऑप्शन ए भी कैंसिल। अब हमारा फोर्थ पोजीशन पे क्या है, बी, तो फोर्थ पोजीशन पे बी, और सबसे लास्ट पोजीशन पे यानी फिफ्थ में ई है, तो फिफ्थ हमारा कौन सा पोजीशन से, ई। हमें पूर्ण विश्वास है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन करें, हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पूरी मेहनत से सब पूरी मेहनत से कोशिश करें, पूरी मेहनत से सफल, मेहनत किया गया काम पूरी मन से किया गया परिश्रम आज तक असफल नहीं हुआ है। आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो आप इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दिया हुआ है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बी दिया हुआ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सी दिया हुआ है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डी दिया हुआ है फीडबैक, फीडबैक और ई दिया हुआ है ड्रामा। ड्रामा अब हमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन में हमारा नंबरिंग है बी एस सी, बी ए सी ई डी, ऑप्शन बी दिया हुआ है सी ए बी, सी ए बी सी ए बी ई डी। सी ए बी, सी ए बी ई डी, ऑप्शन सी दिया हुआ है डी सी ई, डी सी ई और ए बी, ऑप्शन डी दिया हुआ है ए ई बी, ए ई बी। ए ई बी सी डी, सी डी, ठीक है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले यह समझना है कि आखिर किसका पोजीशन पहले आएगा, किसका पोजीशन लास्ट में आएगा। हमें बहुत प्यार से समझना है, हमें किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब यहां दिया हुआ है आर्टिस्ट दिया हुआ है, प्रैक्टिस दिया हुआ है, स्क्रिप्ट दिया हुआ है, फीडबैक दिया हुआ है, ड्रामा दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आर्टिस्ट ड्रामा प्रैक्टिस कब होगा, जब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि इसमें 5 मेंबर होंगे या डांस करेंगे, राजा बनेंगे, सैनिक बनेंगे, यानी हम एक कथा लिखते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या हो गया, स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद उसमें जितने भी हमारे पात्र हैं, यानी हीरो हैं, हीरोइन है, विलेन है, कॉमेडियन है, तो उसमें क्या चाहिए, हमें आर्टिस्ट चाहिए।
स्क्रिप्ट लिखने के बाद हमें आर्टिस्ट चाहिए। आर्टिस्ट हमारा कौन सा पोजीशन हो गया? सेकंड। अब आर्टिस्ट होने के बाद वो सारे सबसे पहले क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी ड्रामा करने से पहले हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। हम क्या करेंगे? उसको प्रैक्टिस करेंगे। हमने बी क्या किया? यह हमारा थर्ड पोजीशन हो गया, हमने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद हमने क्या किया? ड्रामा को परफॉर्म कर दिया। यानी हमारा ड्रामा क्या हो गया? फोर। परफॉर्म करने के बाद जितने भी ऑडियंस होंगे वो सारे ऑडियंस से हमें फीडबैक देंगे। यानी ऑडियंस बैठेंगे, वो बताएंगे कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, या ऑल ओवर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, या किसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। तो ड्रामा होने के बाद तब हमें फाइनली क्या मिलेगा? हमारा फीडबैक। यानी फिफ्थ पोजीशन पे सबसे अंत में हमें फीडबैक ही मिलेगा। जैसे हम आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद जब रिजल्ट आता है तब आपका फीडबैक मिलता है कि आपने पूरी साल कैसे पढ़ाई किया है, पूरी मेहनत से किया है कि नहीं, पूरी शिद्दत से किया है नहीं किया, कि कैसे ऐसे टाइम पास किया है। तो जब रिजल्ट आता है तो सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जिसका नहीं होता है उसने मेहनत नहीं किया है। हो सकता है कि मेहनत जिस लेवल के लिए चाहिए उस लेवल में थोड़ी कमी है, तो अगली बार हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे सी है। आप देखिए, ए में ना स्टार्टिंग में सी है ना एंड में सी है, तो कैंसिल हो गया। सी में ना स्टार्टिंग में सी है ना लास्ट में सी है, कैंसिल हो गया। डी में देखिए, ना स्टार्टिंग में सी है ना लास्ट में, ये भी कैंसिल हो गया। बचा केवल बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फर्स्ट पोजीशन पे सी, सेकंड पोजीशन पे ए, थर्ड पोजीशन पे बी, थर्ड पोजीशन पे बी, फोर्थ पोजीशन पे ई, फोर्थ पोजीशन पे ई, और फिफ्थ पोजीशन पे डी। तो फिफ्थ पोजीशन पे डी, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों, आप घर पे रहें, पूरी मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑनलाइन आपके लिए हमारी संस्था पूरी तैयार है। आपको हर चीज़ पूरी बेहतरीन, जितनी बेहतरीन टॉपिक हो सकती हैं सारे टॉपिक, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए। आप एक बार डिसाइड कर लीजिए हमें यह कॉम्पिटिशन करना है तो करना है, पर इसके लिए तीन चीज़ चाहिए। वह तीन चीज़ सबके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हार्डवर्क, हार्डवर्क तो होना चाहिए। सेकेंड, हमारी कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी करने के बाद जो सबसे बेमिसाल चीज़ है, सबसे बेहतरीन है, वह हमारा क्या है? हमें सही डायरेक्शन, यानी क्या चीज़ पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस से ऐसा चीज़ हम ना पढ़ें जो सिलेबस में आए ही नहीं, या बहुत कम आए, या बिल्कुल ना आए, हम उस पर मेहनत किए जा रहे हैं। यानी एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।